ਕਰ ਤੋ ਚਿਨਹਾ ਵਰਗਾ ਅਲੜਾ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਬਰ ਗਾਲ ਮਨ ਜਗਤ ਹੈ ਕਮਾਦਰ ਗਾ ਸਾਰੀ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। दिस इज द एक्सप्लोरिंग इंजीनियर एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। काफी दिन से एक जो रिक्वेस्ट थी वो पेंडिंग थी कि टीसीएस का कैंपस से दिखा दो, जो भी दिखा सकते हो आप, जो भी अलाउड है। तो ठीक है यार, आज लेके चलता हूँ आपको टीसीएस का कैंपस, रास्ता जो मतलब एरिया है वहाँ का दिखा दूंगा। सो दिस इज इट। नहा तो मैं सुबह ही लिया था, मैं सब एक बार मुंह हाथ धोते हैं और फिर चलते हैं ऑफिस। रोटी गोल बनाने लगा। ऑल्सो आई हिट जिम एट ऑफिस ओनली। सो ये अपना जिम वेयर, वो जिम वाले शूज, लॉकर्स हैं वहाँ पर, बट ऐसे सैटरडे संडे नहीं छोड़ता हूँ वहाँ पर, मैं ले आता हूँ तो मंडे को वापस लेके चलते हैं। सबसे पहले जाएगा टिफिन अंदर, उसके बाद क्लोथ्स पीछे और शूज पीछे। और भाई नागपुर में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, छाता। तो ये कैरी करके चलो अपने साथ, क्योंकि यहाँ कभी भी बारिश हो जाती है। और ये भाई चाबियाँ। ठीक है सिंह भाई, चल रहे हैं, टाटा बाय बाय। ठीक है, आते हैं शाम को। और बस आती है यहीं आगे कॉर्नर पर। और वो है स्टेडियम नागपुर का, जहाँ पर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होने वाला है T20। और फिर यहाँ से सारे ऑफिस स्टार्ट हो जाते हैं। और ये इंफोसिस की नई बिल्डिंग बन रही है। और इस रोड पे बिल्कुल लास्ट में आके राइट में पड़ता है टीसीएस का ऑफिस। सो दिस इज टीसीएस नागपुर। बसेस जो भी आती हैं सारी इस गेट पे आती हैं, और अपने पर्सनल व्हीकल के लिए आपको पीछे से जाना पड़ता है गेट नंबर 4 से। सो ऐसा है ऑफिस का कैंपस, और मैं इतना ही दिखा सकता हूँ अभी, क्योंकि अंदर बिल्कुल अलाउड नहीं होता है फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। सो दिस इज़ इट, अब चलते हैं अंदर। सो अभी इतना ही दिखा पाऊँगा यार मैं, क्योंकि अंदर बिल्कुल अलाउड नहीं होता है और फिर वो पॉलिसीज के अगेंस्ट हो जाएगा। सो अभी यहीं तक आप देखो, पार्किंग जहाँ से होती है वहाँ दिखाता हूँ, बाय। और अभी पीछे में एक रात को एक्सीडेंट हुआ होगा, तो वो एम्बुलेंस गई हुई थी अंदर, मतलब झाड़ियों में घुस हुई थी, तो उसको निकाल रहे थे वो लोग। टर्न नहीं ले पाए ना। ये पूरा का पूरा टीसीएस कैंपस ही है राइट में, जो आप देख रहे हो, और पार्किंग गेट आएगा राइट में जाकर, तो दिखाता हूँ मैं भी आपको। तो ये आ गया है टीसीएस का कैंपस, और यहाँ पर बिना हेलमेट के अलाउड नहीं करते हैं वो लोग।
One eternity later. अब जिम वगैरह करके निकल लिया हूँ। ये है टीसीएस का एंट्री गेट। ठीक है भाई, अंदर अलाउड नहीं था, कुछ दिखाना तो दिखा नहीं पाया। और अब आपको दिखाता हूँ दिन का बढ़िया ट्रांजिशन, देखो। बारिश हो गई तेज और मैं जा रहा हूँ घर, भाई रुकना पड़ेगा। रात पे ज़्यादा सुंदर लगता है यार कैंपस। अब जाऊँगा घर जब बारिश रुकेगी। One eternity later. रुक गई बारिश, चलता हूँ फटाफट से। और अब आप देखोगे डे ट्रांजिशन फिर से। बारिश बहुत तेज़ है भाई। और ये है नागपुर सिटी, वेलकम टू द सिटी ऑफ ऑरेंजेस एंड टाइगर्स। तो चलते हैं घर, घर जाके मिलता हूँ। पनीर डल लेते हैं भाई, घर जाके पनीर बना लेंगे, खा लेंगे, भीग तो चुका हूँ पूरा। पहुँच चुका हूँ भाई घर, जूते पूरे किच किच गीले, बढ़िया हो गया। कुणाल फोन करना पड़ेगा इसको। बस अब नहा धो लिया हूँ, गर्म चाय बनाई है सारे मसाले डाल के, क्योंकि भीग गया था, ठंड बहुत थी रास्ते में, कॉन्टीन्यूसली बारिश हो रही थी। और बस अब आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि टीसीएस कैंपस दिखाना था वो दिखा चुका हूँ। सो मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, बाय।